देखो फैसले ये हुए यार कि 26 तारीख को 26 नवंबर को पूरे देश भर में हर राज्य की राजधानी में गवर्नर के यहाँ पे ज्ञापन दिए जाएंगे। जो अपना हक पत्र है, एक डिमांड नोट है, एक ये डिमांड नोट यह होगा कि हम मांग रहे हैं, हक पत्र हमारा होगा कि हमारा हक है, ये वो सारे जाएंगे 26 तारीख को। और पूरे देश भर में ये प्रोग्राम हो रहा है और बड़ी संख्या में होगा, क्योंकि संविधान बचाने का भी हमारी जिम्मेदारी है। 26 तारीख को संविधान बचाओ दिवस भी है। 26 तारीख को ही 2020 में यह आंदोलन की शुरुआत हुई और जो 13 महीने यह आंदोलन चला उसकी शुरुआत 26 तारीख को ही। महत्वपूर्ण दिन है, उस दिन को हम याद करके और अब अपने प्रोग्राम करेंगे। फिर पहली तारीख से दिसंबर में और 9-10 तारीख तक, दिसंबर तक जितने भी एमपी है हमारे पास मेंबर पार्लियामेंट, वो चाहे राज्यसभा से है या लोकसभा से है, उनको वही डिमांड नोट, अपना हक पत्र जो वो है वो देंगे उनको कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा। आप उसमें विपक्ष वालों को कहेंगे कि हमारी आवाज़ उठाओ और सत्ता पक्ष वालों को कहेंगे कि इस पे काम करो, दोनों का जाएगा। आप अपने क्षेत्र के उसको सबको देना है, उनसे मिलो, उनसे टाइम लो, वे कहाँ है, और टाइम लेके 10-15-20-30 आदमी जाकर उनसे मिलकर और अपना पत्र उनको देखा हो जो अपने डिमांड। दिसंबर में जैसे सेशन भी शुरू होने जा रहा है, हाँ, तो उससे सेशन से पहले ही हम करेंगे। तो उसमें कुछ आंदोलन करने का भी कुछ सोचा? 8 तारीख को दोबारा एसकेएम की मीटिंग होगी यहाँ पे, तो उसमें आगे का फैसला उसमें लिया जाएगा। तो जैसे सहमति नहीं बन पा रही अभी तक एमएसपी की कमेटी को लेकर, कुछ दोबारा बातचीत चली या नई कमेटी? नहीं, भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 के बाद में कोई बात नहीं करी। तो आपकी तरफ से कोई पेशकश करी गई है उनको कमेटी के? अच्छा, उनको नहीं, कमेटी तो बनाई नहीं उन्होंने भाई। कमेटी की बात तो उसको पेशकश करे ना जो कोई बात करे, क्या LIU की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट नहीं, सब हैं। अब जब सरकार ने चाह लिया कि हमको बात मान दी नहीं, ना बात कर दी, ना हम देश के संविधान को मान देंगे, ना देश के कानून को मान देंगे, इस देश पर कब्जा होगा। जो लक्ष्मीपुरी के खीरी के न्याय को लेकर कोई फैसले लिए गए हैं अभी? नहीं, वो तो वहाँ पे आंदोलन चल ही रहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा, और वहाँ के लोग हमारे देख रहे, मान साहब हैं ये, उनके स्कूल को देख रहे हैं, वहाँ की पूरी टीम है हमारी। आपकी जो जिम्मेदारी है, पता चला है कि लक्ष्मीपुर खीरी जो घटना हुई थी उसमें लगी है, तो उसमें अभी क्या डेवलपमेंट क्या है? देखिए, अभी हमने जो किसानों की ओर से हमारे साथी जेल में बंद हैं उनकी हमने बेल एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में, और उस पर डिस्चार्ज लगा हुआ है और उस पर बहस होनी है। तो सर, दूसरे तरीके की अगर बात करी जाए, जो दोषी हैं जो अजय मिश्रा हैं, उनका बेटा है, तो उनको सरकार द्वारा जो है अभी भी उनकी जो है रक्षा करी जा रही है, कोई उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो उसमें लेकर आपका क्या है? जी बिल्कुल, उनकी सरकार है और मौजूदा जो हैं MP भी हैं इस समय लोकसभा के, और गृह राज्य मंत्री भी हैं, तो सरकार तो उन्हीं की सुनेगी, किसानों की कहाँ सुनेगी। लेकिन हम अभी जो डेलीगेशन हमारा गया था SKM का, वहाँ पे लखीमपुर खीरी में 3 दिन का पड़ाव किया था 72 घंटे का, तो उसमें भी यही बात रखी थी कि हमारे जो साथी जेल में बंद हैं वो निर्दोष हैं, उनके ऊपर भी 302 की धाराएं लगा के उनको बंद किया गया है जेल में, उनकी बेल होनी चाहिए, उनको रिहा किया जाना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री, वो 120B के मुजरिम हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, ये हमारी मांग। जिस तरीके से सरकार ने संबंधी को आंदोलन आगे चलाने की बात चली है आज मीटिंग में, कुछ जी आंदोलन चलता रहेगा पूरे देश में, और जो SKM का एजेंडा होगा, जो SKM यहाँ से तय करेगा, वही पूरे देश में सारे संगठन उसको लागू करेंगे। और अभी जैसे जो चौधरी राकेश के सामने बताया कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके घर पे हम लोग ज्ञापन लेके जाएंगे और कहेंगे कि जो हमारा MSP है उसको आप लागू करें, ताकि
किसान खुशहाल हो सके, क्योंकि किसान मौसम की मार से बहुत तबाह हो चुका है। ऊपर से सरकारों की नीतियाँ ऐसी हैं, कॉरपोरेट के हक में हैं, तो कॉरपोरेट को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ हैं, किसान की कहीं सुनवाई नहीं है, मजदूर की कहीं सुनवाई नहीं है। तो हमारे यही मांग रहेगी और आने वाली 26 तारीख को जो कि हमारा आंदोलन शुरू हुआ था 11 नवंबर को, उसकी एक बहुत बड़ी पंचायत हम लखनऊ में करने जा रहे हैं और पूरे राष्ट्रीय लेवल की वो पंचायत होगी और उसमें सारे संगठन भाग लेंगे। अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शनों को लेकर किसानों की कोई रणनीति है? बिल्कुल, जो हमारी किसानों की यही रणनीति है कि हम MSP की मांग करेंगे। जो वोट मांगने आएगा उससे कहेंगे कि हम किसानों की बात रखें, किसानों को MSP दिलवाने में आप सहयोग करें, तभी किसान वोट करेगा, उसी पार्टी को वोट करेगा जो MSP की बात करेगा, MSP पे कानून बनाने की बात करेगा। देखिए, एक तो 26 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा है, पहला तो 19 का है, सेलिब्रेशन का है हमारा। 19 को जो किसान मोर्चे की जीत हुई थी तो पूरे देश में उसको सेलिब्रेट करेंगे, अपने जिला सदर पे, तहसील सदर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका सेलिब्रेशन होगा, पूरे देश के किसान उसमें विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। और दूसरा, 26 तारीख को जो हमने तय किया, सरकार ने जो बिठरे किया, जो हमसे धोखा किया, सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, उनको लेके राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। हर देश की राजधानी में किसान इकट्ठा होके जाके अपने अपने राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। और एक हम भविष्य में SKM का एक नियमावली बना रहे हैं, जिसपे आज मतलब फैसला तो होना नहीं था, आज वो पुट अप किया हमने, और अगली मीटिंग में जो 8 तारीख में हमारे संगठन हैं वो उस पर अपने अपने विचारों के साथ आएंगे, मतलब उस प्रक्रिया की शुरुआत की। और तीसरा, जो MSP हमारा अहम मुद्दा है, उसको लेके एक ज्ञापन हम अपने अपने सांसदों को दिसंबर के पहले सप्ताह में सभी जो MP MLAs हैं उनको कहेंगे कि वो अपने विधानसभा और लोकसभा में इस विषय को उठाएं, वो ज्ञापन दिया जाएगा। 8 तारीख को दोबारा हम इकट्ठा होंगे और दोबारा क्या स्वरूप हमारा आंदोलन का होगा, MSP को लेके जो आंदोलन हम चलाएंगे उस पर चर्चा करेंगे, तय करेंगे। तो आज यही मुख्यमंत्री दे दें। तो सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक त्यौहार की तरह मनाया जाएगा, तो यादें बहुत दिल्ली से भी जुड़ी हैं, क्योंकि पंजाब से लेकर दिल्ली तक का सफर है। दिल्ली में सर्दी गर्मी आपने दोनों रू ठंडाई, तो दिल्ली के लिए भी कुछ प्लान है, कुछ जत्थेबंदियाँ दिल्ली आके भी मनाएंगे? दिल्ली मतलब वो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर है, तो दिल्ली की इकाई जो है दिल्ली में मनाएगी, सब जगह सब होगा, ये राज्य इकाई को सौंप दिया। सर, 8 तारीख को जैसे आपने मीटिंग रखी है और 7 तारीख से जो है सेशन भी शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का, तो उसके बीच कुछ विरोध प्रदर्शन करने का या ट्रैक्टर मार्च करके 8 को निर्णय लेंगे, सेशन 29 तक चलेगा, निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक्शन प्लान बनेगा उसका, लेकिन 8 को फाइनल होगा। इलेक्शन चल रहे हैं, उसमें हमारा बड़ा स्पष्ट रुख है, हम जो है केंद्र सरकार को, किसान विरोधी सरकार है, बिटरे किया है इसने, और हम अपील करेंगे वहाँ के लोगों से।